कोरोना आया, कोरोना इंडिया में रुका, अब इसके बाद क्या होगा? खाने के बाद आराम से बात करते हैं। हाँ जी, तो खाना वाना हो गया, अब आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तो गाइस, इस चीज़ के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात हो गई कि अभी जो ये क्राइसिस आया है, ये इसके बीच जो हो रहा है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। तो अब बात होगी कि इसके बाद क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में जो टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए, उसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक पहले उठा रहा हूँ जिसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और सो उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस टू इंडिया। इस क्राइसिस के बाद इंडिया को लॉन्ग टर्म में कुछ एडवांटेजेस के चांसेस मिल सकते हैं अगर इंडिया अपना एफर्ट दे तो। सो आप पहले काम करो, आप पहले एक ही क्लिप देखो और उसके बाद मैं आपसे कुछ और भी बात करेंगे। Chinese virus. It comes from China. Why do you keep calling this the Chinese virus? A lot of people say it's China. Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. तो जो ये छोटी सी क्लिप थी, इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? तो ट्रम्प जो ये बार बार बोल रहे हैं, कि ट्रम्प इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो चाइना ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जो यूएस की जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके थ्रू ये कोरोना वायरस फैलाया गया था। तो चाइना ने जो गलत स्टेटमेंट दिया था, जो या अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था, मैं उसे गलत ना बोलूँ क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ये सारी उनके बीच की पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की बातें हैं। सो अब यूएस पलट के चाइना के ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि ये उसको बार बार दोषी ठहरा रहा है कि इस चाइनीज़ वायरस, और एक ही बात बोल रहा है कि हाँ चाइना, मैं तेरा दुश्मन हूँ। पहली बात तो ये साफ है कि जो चाइना और यूएस के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, जो उनके बीच का तालमेल है, जो उनके बीच का रिलेशनशिप है, वो ख़राब हो रहा है। इस वीडियो को साफ दिख रहा है कि ट्रम्प बार बार ये एक ही चीज़ बोल रहा है कि दुनिया बोल रही है इट्स अ कोरोना वायरस। ट्रम्प बार बार क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ चाइनीज़ वायरस। वो चाइनीज़ बार बार बोल रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि उनके जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं। इससे एक बात उछल के और सामने आती है कि जो बिज़नेस चाइना को यूएस दे रहा था, वो बिज़नेस अब यूएस चाइना को शायद ना दे। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है इस वीडियो को देखने के बाद, ट्रंप अगर वापस आया इस इलेक्शन में, क्योंकि यूएस में इस समय इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अगर ट्रंप वापस आया तो चाइना को जो बिज़नेस मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। अब कुछ एश्योरिटी नहीं है, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चांस है कि जो उसका बिज़नेस है वो इंडिया अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींच के ले आए, और उसके जो चाइना जो उन्हें सर्विसेज दे रही थी यूएस को, वो सर्विसेज अब इंडिया उन्हें दे। तो ये इंडिया को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो, जैसा कि मैंने आपको बोला। सो भाई, जो सेकंड टॉपिक अब उठ के आता है, एक सेकंड, यहाँ लाइट अच्छी नहीं आ रही, अच्छा हाँ यहाँ लाइट ठीक है। सो जो दूसरा टॉपिक उठ के आता है वो टॉपिक है टैक्स इनकम रिसेशन। जो गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम होती थी उसमें जो रिसेशन आएगा, अब उसके बारे में दो चार बातें हम लोग वो भी कर लेते हैं। सो 2019-20 की जो गवर्नमेंट की टैक्स की इनकम थी, वो इनकम उनके बजट के 37% थी, एक बार ये देख लो, तो 37% थी वो गवर्नमेंट के बजट की। इतनी कम, मतलब सिर्फ इतनी सी उनकी इनकम हुई, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम थी। और 2020-21 का जो टैक्स इनकम होगी गवर्नमेंट की, वो जो इनकम होगी ना, वो अब और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, लोग अपने घर में हैं, लोगों के बिजनेस डूब रहे हैं। जब बंदा टैक्स ही पे नहीं करेगा, जब टैक्स ही पे नहीं होगा, तो गवर्नमेंट इनकम कहाँ से अर्न करेगी? दैट्स वाई 2020 की जो इनकम है, टैक्स इनकम, वो और भी ज़्यादा नीचे जाने वाली है। तो जो कंक्लूजन ये आता है कि जब गवर्नमेंट को टैक्स इनकम होगी नहीं, तो कोरोना वायरस के बाद जो सिचुएशन आएगी उसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी? और जो क्राइसिस के बाद आएगा, इसको बचाने का तरीका सिर्फ एक ही बचता है, जो कि है कंजम्पशन। एक आखिरी और एक लौता तरीका है जिससे हम इंडियन इकोनॉमी का जो क्राइसिस आने वाला है उसको हम लोग बचा सकते हैं, और चाइना ने भी यही किया। और कंजम्पशन कब होती है? जब जो सिटीज़न है हमारे इंडिया के, वो लोग अपना पैसा खर्च करेंगे और उस चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, दैट इज कंजम्पशन। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना इज कंजम्पशन। और पैसे कब खर्च होंगे, बंदा कंजम्पशन कब करेगा? जब बंदे के हाथ में पैसे होंगे, जब उसकी इनकम होगी। जब इनकम ही नहीं होगी तो बंदा कंजम्पशन कैसे करेगा? तो इस चीज़ के लिए हमारी कंट्री को जो अब नीड है वो है दो चीज़ों की।
दो, जिसमें कि पहला आता है फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा आता है न्यू प्रोसेस या न्यू टेक्निक्स को अपनाना जो कि इस सिचुएशन में उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी. और जो इस सिचुएशन में इन दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेगा ना बॉस, वो अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी जो इकोनॉमी है उसको फट से, जो रिसेशन हुआ है आपकी जो स्क्रीन पे इस समय ग्राफ आ रहा है ना उसको ध्यान से, तो जो इकोनॉमी गिर गई थी, जो इकोनॉमी क्राइसिस की वजह से गिर गई थी, जो इस दो स्टेप्स को अपनाने के बाद वो वी शेप में वापसी तुरंत उठ जाएंगे. फिर कंक्लूजन लास्ट में ये आता है कि जो इन दो स्टेप्स को, फास्टर अडॉप्शन एंड न्यू प्रोसेस और न्यू टेक्निक्स को अपनाना, वो वी कर्व से फटाफट स्पीड से रिसेशन हुआ है उसी स्पीड से, उसकी दुगनी स्पीड से वो वापसी उठ जाएंगे. जो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा, ये होगा कि दो दो तरह के कर्व होते हैं, वी कर्व और एल कर्व. उस पर आप देखो कि इकोनॉमी गिरी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरी और उसके बाद नीचे ही रह गई, और नीचे ही रह जाने की वजह से कोई ग्रोथ नहीं होगी, इंडियन इकोनॉमी नीचे ही रह जाएगी. तो हमें कौन सी चाहिए, हमें एल शेप चाहिए या फिर वी शेप चाहिए? हमको वी शेप चाहिए गाइस. सो गाइस, इस चीज़ का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूँ. एक चाइनीज़ कंपनी है, दैट इज़ JD.com, आपकी स्क्रीन पर भी उसका लोगो एंड नाम आ रहा होगा. सो ये JD.com क्या करती है, ये अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है इन शॉप्स या फिर मार्केट्स एंड ऑल, जहाँ पर ये ह्यूमन का यूज़ नहीं करते हैं, ये वहाँ पर रोबोट्स का यूज़ करते हैं, ये वहाँ पर नई नई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं होती है. विदाउट एनी ह्यूमन ये लोग सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को. और इस कंपनी से एक चीज़ सीखने वाली है बॉस, कि इस कंपनी ने यही दो स्टेप्स अपनाए, यही दो स्टेप से ये कंपनी आगे बढ़ी. इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक स्टेप आगे और उठा लिया. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये अनमैन्ड व्हीकल्स बना रहे हैं, ये अनमैन्ड व्हीकल्स बना चुके हैं ये लोग. जो ऐसे अब क्या होता है, डिलीवरी करनी है किसी भी चीज़ की, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसको ड्रोन से भेजेंगे, ये लोग विद द यूज़ ऑफ ड्रोन्स, विद द यूज़ ऑफ अनमैन्ड व्हीकल्स. तो ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जहाँ पर ह्यूमन का यूज़ ना हो. ये लोग सिर्फ नई नई टेक्निक्स ला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं. ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, सोच सकते हो आप, चीज़ों की डिलीवरी ड्रोन से हो रही है चाइना में. सो इस कंपनी ने कितना उठाया होगा अपने आप को. सो वी शेप कर्व की तरह ये लोग रिसेशन में गए और फिर तुरंत उठ गए, क्योंकि इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, इन लोगों ने अपनी दो चीज़ें इंप्लीमेंट की, फास्टर अडॉप्शन एंड न्यू टेक्निक्स. जैसे और ही बहुत सारी कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम वीडियो हो गया, Z5 हो गया, इनका बिजनेस इतना दौड़ा है ना, तो इनका काम इतना ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि लोग घर में हैं, तो लोग घर में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हैं. सो अगर हमको अपनी इंडियन इकोनॉमी बचानी है, हमको अपनी इंडियन इकोनॉमी को ऊपर उठाना है वापसी, तो हमको ये दो स्टेप्स लेने होंगे. हमको कंजम्पशन करना होगा, जो कि मेन बात है, और कंजम्पशन के लिए हमको इनकम चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं से इनकम अर्न होनी चाहिए और अपनी इंडियन इकोनॉमी को संभालना है, क्योंकि इसके बाद जो क्राइसिस आएगी उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही भयानक क्राइसिस आने वाली है इसके बाद. ये जिम्मेदारी किसी देश की नहीं कि वो अपने नागरिकों को आगे लेकर जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी हम नागरिकों की बनती है कि हम अपने देश को आगे लेकर जाए. जय हिंद, जय भारत. तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है. प्लीज़ यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना कैसा लगा. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो मेरी वीडियोज़ में आप, तो प्लीज़ थ्रू कॉमेंट्स आप मुझसे बात करो. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. बाय बाय.